साथियों, सरकार चलाने का कांग्रेस का एक और तरीका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देश को टेक्नोलॉजी में जानबूझकर पीछे रखकर कांग्रेस इससे भी पैसा कमा लेती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी तो नई व्यवस्थाएं बनाएगी और ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पुरानी व्यवस्थाओं में कांग्रेस अपनी कमाई के साधन खोज लेती थी। जब कांग्रेस सरकार थी तब देश 2G घोटाले में ही उलझे हुए थे, याद है ना? 2G घोटाला भूल गए? 2G घोटाला याद है? भाजपा के 10 साल के सेवा काल में आज देश 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट तो दुनिया में बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन भारत में देर से पहुंचे। ऑनलाइन बैंकिंग की, ATM की, क्रेडिट डेबिट कार्ड की टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन भारत में समय पर नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की नीयत समाधान की नहीं थी। सिर्फ 6-7 साल के भीतर ही भारत के भीम UPI ने बैंकिंग सिस्टम को बदल करके रख दिया। आज पूरी दुनिया में भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है। साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो फुटपाथ पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो आपके घर पे आकर के सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, क्या कभी ये रेहड़ी पटरी ठेले वाला यही सोचता रहा कि वो जीवन पर यही काम करेगा, जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा, उनके बच्चे भी यही करेंगे? ये मोदी ने तय किया है, जी नहीं, मैं इसे भी बदल के रहूंगा। वो सोचता है कि एक दिन उसकी भी बड़ी दुकान होगी, उसका भी कारोबार बढ़ेगा, लेकिन दुकान तो तब होगी जब उसे बैंकों से मदद मिलेगी। पहली बार इन रेहड़ी ठेले पटरी वाले साथियों को किसी सरकार ने बैंकिंग से जोड़ा। कांग्रेस के राज में तो जिसके पास पैसा था बैंक उसी के लिए थे। भाजपा सरकार ने PM स्वनिधि योजना लाकर रेहड़ी पटरी वालों को नया जीवन दिया है। देश के 50 लाख से ज्यादा गरीब साथियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से मदद मिली है। यहां MP में भी 7 लाख से अधिक रेहड़ी फुटपाथ वालों को 1400 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। जब गरीब की चिंता होती है, जब गरीब की सेवा का जज्बा होता है, तो ऐसे उत्तम से उत्तम काम होते रहते हैं।